हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आज चलने वाली हूँ अपने खेतों में कुछ काम करने के लिए। तो अभी बहुत तेज़ धूप लग रहा है खेत में, तब तक मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर सब्ज़ी लहा कर रख लूँ, क्योंकि खेत से आने के बाद काफ़ी अंधेरा हो जाएगा तो खाना बनाने में भी तो टाइम लगेगा। इसलिए मैं पहले ही सब्ज़ी लहा कर रख लेती हूँ, क्योंकि भाभी भी नहीं है। ऐसे तो भाभी रहती थी तो हेल्प हो जाता था, लेकिन आज मैं अकेली हूँ और मम्मी हैं तो मम्मी का आज तबीयत ख़राब है। वैसे तो मम्मी भी सब्ज़ी लहा कर रख देती थी। दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी मैं चल रही हूँ अपने खेतों में, देखती हूँ कि हमारे खेत में क्या काम हो रहा है। हालांकि साजन पहले से ही खेत में मौजूद हैं। और ये देखिए दोस्तों, जो मैं पालक लगाने के लिए ये खेत साफ की थी, उसके एक दिन बाद जो है कि यहाँ पे बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा पानी डूब गया था, तो इस वजह से ये कच्चा हो गया था खेत और हम लोग पालक नहीं लगा पाए। तो अब ये खेत थोड़ा सा जो है कि नमी सूखा हुआ है, अभी भी नमी है लेकिन अब थोड़ा सा बोने लायक हो गया है। तो ये देखिए साजन इसकी खुदाई कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत दिन बाद ये जो है कि खेत को खोद रहे हैं। कैसा है साजन? अभी चपक रहा मट्टी, नमी लाइए थोड़ा सा, हम खने अब थक गए होंगे, उतना खाने हैं। मिट्टी चपक जा रहा ना, देखो। हाँ, ऐसे ही वो आ जाएगा, सही रहेगा। अगर उसको जो हेंगे तो फिर बारिश हो जाएगी तो फिर कच्चा हो जाएगा। अभी एक आध दिन धूप लगी ना तो फरार हो जाएगा। अरे धूप लगाते लगाते तो जो है कि फिर से कच्चा हो जाएगा, बारिश अगर हो जाएगी तो। अरे गजब, क्या बात है मनीषा जी, क्या हुआ? और इन्होंने तो, तुमने तो पूरा जो काम खत्म कर दिया मेरे आने से पहले। हाँ। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने तो पूरा ये जो खेत बनाना था, इन्होंने पूरा खेत अकेले ही यहाँ से बना दिया। मैंने बस थोड़ा सा बनाया था और बाकी मैं कुछ काम से चला गया था दुकान में, तो आया देखा तो ये पूरा काम तब तक खत्म कर चुकी हैं, फिनिश। बहुत जबरदस्त मनीषा जी, बहुत मेहनत की आप तो। अरे आप अपना घर पे भी काम की थी गाँव में ना? हाँ, थोड़ा सा कर दीजिए, समथर हो जाएगा, फिर बांधना है तब। बस 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 बस, एक फर्श रख लीजिए, इसी पे मूली लगा देंगे नया। हाँ हाँ, तो मूली लग जाएगा, इस मेड़ पे मूली लगाने की तैयारी हो रही है ना। सर्दियों में मूली खाने का काम आएगा हम लोग को, किनारे किनारे मेड़ रहेगा और इस पे मूली लगा देंगे हम लोग। दीजिए, अब हम बना दें मेड़ को। दोस्तों, खेत को खनकर अच्छी तरह से मेड़ बनाकर चारों तरफ से तैयार कर दिए हैं। अब चलिए इसमें पालक लगाना शुरू करते हैं। पालक लगाने के लिए यहाँ पर हम पालक का बीज लिए हुए हैं, इसे मार्केट से मंगाए हुए हैं, इसमें सोवा भी है। तो चलिए अब पालक को छींटते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा है खेत तो हम इस तरह से छींट देते हैं ताकि सभी जगह अच्छी तरह से बीज गिरे। तो ये देखिए, इस तरह से हम छींटते हैं इसे, और इसे हम ज़्यादा घना नहीं छींट रहे हैं, थोड़ा सा दूर दूर ही छींट रहे हैं। दूर दूर अगर पालक बोया जाता है तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शौकीन पालक के पत्ते निकलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा बीज हम छींट दिए हैं। बीज को छींटने के बाद अब हम इसकी गुड़ाई करेंगे। दोस्तों, खेती करने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है,
लेकिन जब सब्जी निकलने लगती है तो खाने में भी बहुत आनंद आता है और तोड़ने में भी। तो ये देखिए दोस्तों, पालक इसमें छिटा गया है और मनीषा जी ने पालक के जो बीज है इसमें बो दिए हैं। अब इसको हम कुदार की सहायता से हल्का सा इस पर मिट्टी डाल देंगे ताकि बीज जो है थोड़ा सा अंदर हो जाए। और कल बोने का इरादा था हम लोग का, लेकिन मौसम को देखते हुए आज ही बो दिया गया, नहीं तो पूरी मेहनत जो है कि बेकार हो जाती। अगर बारिश हो जाएगा तो बना बनाया खेत बिगड़ जाएगा, इसीलिए इन्होंने आज ही बो दिया है। और बस हल्का सा इसको ऊपर से ही मिट्टी खोदेंगी ताकि बस ये दम जाए। और हल्का करिए ना, एकदम हल्का, नहीं ज़्यादा अंदर हो जाएगा मिट्टी तो फिर नहीं पालक जम पाएगा। एकदम हल्का, बस बस खाली कुदार ऊपर से छुआ दीजिए बस। बीज आपको बीच बीच में दिखाई भी दे रहा हूँ, मिट्टी के बीज एक आध बीज यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ये है ये बीज, एक यहाँ पर छिटा गया है बीज, ये है ये बीज है दोस्तों। आइए अब मैं कर देता हूँ ना, हम कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, उतना हम जो है कि गोड़े हुए हैं पालक छींटने के बाद, अब देखिए साजन गुड़ रहे हैं, क्योंकि इसे बहुत ही हल्का सा गुड़ना है। मैं गुड़ रही थी तो थोड़ा सा ज़्यादा अंदर तक गुड़ दे रही थी, इसलिए साजन बोल रहे हैं कि दीजिए हम करें, नहीं तो तुम इतना अंदर तक कर दोगी तो जमेगा ही नहीं। खाने की जरूरत ही नहीं है, इसको परता देंगे पैर से, तब पर भी हो जाएगा, मिट्टी में ये दब जाएगा, बीज हो जाएगा। चलिए, बोने लायक ठीक ठाक हो गया था, एक आध दिन और रुक के बोया जाता तो और अच्छा रहता, फिर पीछे हो जाएगा, दोबारा 13 मेहनत करना पड़ेगा। फिर हमने अवले बोए होते, पहले तो हम लोग का पालक भी जम गया था। हाँ, ये बारिश के कारण हम लोग बो भी नहीं पाए, काफ़ी पीछे हो गया हम लोग का। पूरी गोड़ाई हो गई है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा परतारना है। ये जो छोटे छोटे ढेले ऊपर दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से फोड़ देंगे ताकि जब पालक का बीज जमने लगे तो ये ढेले से जो है कि ढके ना, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा तो अच्छे से वो बहुत ही आसानी से पालक का बीज जम जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर थोड़ा सा लगाया जा रहा है, तो हम लोग जो है कि पैर से ही कर दे रहे हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगता है तो हम लोग वो हेंगी होता है, हेंगी की सहायता से इसे परतारते हैं। तो फाइनली दोस्तों, खेतों में पालक हम लोग बो दिए हैं, अब ये पालक जमेगा तब आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ अंत, अब हमारा नया वीडियो आएगा देखने के लिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर से? थैंक यू, बस और कुछ बोलिए? थैंक यू ऐसे ही सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, ऐसे ही अपना सपोर्ट बना रखिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।